एक सेकंड रुको, इसमें दोनों आ रहे हैं हमारे? नहीं आ रहे ना? इसमें भी दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं। ठीक है, चालू है रिकॉर्डिंग। रविदासी समाज को लेके आज पूरे देश के अंदर आक्रोश की आक्रोश देखने में मिल रहा है, चाहे वो दिल्ली हो, यूपी हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, बिहार हो, पूना हो, कहीं भी। और यही नहीं, पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आज रविदासी समाज को लेके बहुत ज़्यादा आक्रोश देखने में मिल रहा है। अभी 19 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, जिसके अंदर बहुजन समाज के लोगों ने हाथ जोड़ा कि हमें सिर्फ अपने रहनुमा के दर्शन करने दिए जाएं, लेकिन पुलिस ने नहीं सुनी और उनको जेल में बंद कर दिया। हमारे साथ हैं समाजसेवी केपी चौधरी, जो हमेशा समाज की बात को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर बोलते हैं। केपी चौधरी साहब, पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी धन्यवाद, जय भीम, नव बुधाय। क्या कारण है कि बहुजन समाज भी पिटता भी रहे और चुप रहे और उसकी आवाज़ भी ना, उसको बोलने का भी अधिकार नहीं है? 19 तारीख को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसके बावजूद भी वहाँ के जो भी लीडर्स थे, जो इस टीम को लीड कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ वहाँ पे फूल चढ़ाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं। हमारे रहनुमा को इतने दिन से वहाँ पर कोई पुष्प भी चढ़ाने नहीं गया, लेकिन पुलिस ने उनको वो भी काम नहीं करने दिया और उल्टा जेल में बंद कर दिया। इसके पीछे क्या कहेंगे आप? लेकिन निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन की या सरकार की एक दमनकारी नीति इसमें स्पष्ट रूप से झलकती है, साफ दिखाई देती है। समाज के हमारे लोग कल वहाँ पर इकट्ठा हुए तुगलकाबाद, जो संत गुरु रविदास जी, जो हमारा एक हमारा पूज्य स्थान है, और वहाँ लोगों ने इच्छा जाहिर की कि वो अपने गुरु महाराज जी को अपना जो है वो अर्चना करना चाहते हैं। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनको एक तो इजाज़त नहीं दी, और उसके बाद उन सभी लोगों को अरेस्ट करके बसों में भर करके थाने ले जाया गया। तो निश्चित रूप से इस पुलिस की कार्रवाई की जितनी भी निंदा की जाए कम है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इससे समाज में आक्रोश और बढ़ा है। सरकार को इसमें पहल करने की आवश्यकता है। उसी जगह पर संत गुरु रविदास जी का जो स्थान है वो वापस दे करके सरकार उसका इमीडिएट उसमें निर्णय ले और वहाँ तत्काल प्रभाव से वहाँ पर जो है उसको निर्माण, पूर्ण निर्माण की तरफ सरकार को बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो कल 21 तारीख को एक बड़ा प्रदर्शन दिल्ली की धरती पर डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी मार्ग से शुरू होगा। 21 तारीख की बात करी तो मैं आपको पब्लिक को और बता दूं कि हमारे जो फॉलोवर्स हैं, केपी चौधरी साहब महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और उन्होंने इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए इसमें सहयोग राशि भी उन्होंने 50,000 रुपये की दी। क्या तैयारी है आपकी 21 तारीख की, वो बताएं। देखिए, अभी आज से सुबह से ही जो हमारे अनुयायी हैं, संत गुरु रविदास जी के फॉलोवर्स हैं, पूरे देश और दुनिया से आने शुरू हो गए हैं। तो हमने अम्बेडकर भवन पर सभी लोगों के लिए खाने के लिए वहाँ पर भोजन की व्यवस्था कराई है और सुबह से सैकड़ों की संख्या में हमारे साथियों ने वहाँ भोजन ग्रहण किया है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ऑल इंडिया फेडरेशन SC ST ऑर्गेनाइजेशन, यानी हिंदी में हम कहेंगे अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों के अखिल भारतीय महासंघ, बेगमपुरा कल्चरल सोसाइटी ऑफ न्यूयॉर्क और गुरु रविदास महासभा न्यूयॉर्क के तीनों ने संयुक्त रूप से ये भोज की व्यवस्था की है और भोज सुबह से शुरू हो गया है। और इसके बाद कल सुबह 10 बजे, प्रातः 10 बजे हम सभी लोग अपने अपने बैनर्स के साथ, अपने अपने समर्थकों के साथ में अम्बेडकर भवन से कूच करेंगे और प्रदर्शन के रूप में हम लोग चलते हुए मार्च करते हुए सभी लोग जंतर मंतर पहुँचेंगे। और वहाँ पर हमारा जो संत, हमारा जो हमारी पूरी संत समागम जो हमारा वहाँ पर इकट्ठा हो रहा है, जो संत हमारे आ रहे हैं, तो सभी लोग को मंच पर स्थान दिया जाएगा। और बाकी जो भी हमारे साथी हैं, जो भी संगठनों के हेड हैं, जो भी MP अगर कोई आता है, कोई मिनिस्टर आता है, कोई भी किसी भी संगठन का हेड आता है, कोई भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव होता है, सभी लोगों के लिए नीचे व्यवस्था की गई है। तो इसमें मेरा यही निवेदन रहेगा, क्योंकि हमारे जो संत आ रहे हैं उन्हीं सब लोगों को मंच पर स्थान दिया गया है, तो कोई भी साथी मंच पर चढ़ने की असफल कोशिश करके वहाँ पर व्यवस्था को ख़राब ना करे। सभी लोग नीचे बैठे हैं, संत लोग ऊपर बैठे हैं, संतों के का ही संबोधन होगा। हमको कल संतों को सुनना है और अपनी ताकत दिखा करके, एकता दिखा, एकजुटता दिखा करके सरकार को ये बताना है कि हर कीमत पर तुगलकाबाद के अंदर जहाँ हमारे संत गुरु रविदास जी का वो स्थान, पवित्र स्थान है, वहीं पर वो स्थान रहेगा, उसके बदले में कोई जगह नहीं ली जाएगी। और सरकार अगर इसमें जल्दी से कोई कार्यवाही नहीं करती है तो ये आंदोलन आज धीरे धीरे पूरे देश और दुनिया में फैलता जा रहा है और इसकी पूरे विश्व स्तर पर भी काफ़ी निंदा की जा रही है। मुझे जो मेरे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनको, उनके चलते मुझे जो जानकारी मिली है कि आपने वैंकूवर में, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका में, वाशिंगटन में, सभी जगह इस घटना का विरोध हो रहा है और सभी जगह हमारे जो सामाजिक संगठन इसको प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आपने बताया कि देश के कोने कोने में भी इससे लोग इतने व्यथित हैं कि जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी सभी की मांग यही है
कि भारत की सरकार इसमें पहल करके तुरंत उस जगह का पुनर्निर्माण करे और संत गुरु रविदास जी को पुनः वहाँ पर स्थापित करके सम्मान से हमारे समाज का जो ये सम्मान जो हमारा अब जो सम्मान को ठेस पहुँची है सरकार उसमें तुरंत पहल करके और उसी स्थान पर हमारे संत गुरु रविदास जी का पवित्र स्थान को स्थापित करे। जी चौधरी साहब, कुछ लोग इस रविदास जी महाराज के ऊपर भी गुरुदास के ऊपर भी राजनीति करने लग रहे हैं, उनके लिए आप क्या बोलेंगे? देखिए, मेरा निवेदन यह है, राजनीति करने वाले राजनीति करें, सामाजिक कार्य करने वाले सामाजिक कार्य करें, और जो लोग इस विषय पर राजनीति करने की सोच रखते हैं तो मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि राजनीति करने के लिए आप लोगों को जीवन में अनेकों मौके आते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक आस्था का प्रश्न है, हमारे संत गुरु रविदास जी के पवित्र स्थान को तोड़ने का प्रश्न है, तो कृपया करके इस विषय में अगर कोई राजनीति की सोच आती है तो दुर्भाग्यपूर्ण होगी। सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि वो एक आम कार्यकर्ता अपने आप को समझें और आम कार्यकर्ता के रूप में इस जुलूस में शामिल हों जो अम्बेडकर भवन से कल 10 बजे शुरू होगा, और सभी लोग जंतर मंतर पर पहुँच करके नीचे अपना स्थान लें और संतों को ऊपर जो जगह दी जा रही है, जो संत ऊपर हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे, संबोधन भी संत लोग करेंगे, तो मुझे लगता है कि एक अनुशासित बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के सच्चे सिपाही होने के नाते हमारे हर व्यक्ति की भाई की बहन की जिम्मेदारी बनती है कि वो अनुशासन का परिचय दे और इस पूरे मामले में राजनीति से इस एक जो धार्मिक एक क्रांति है, एक सामाजिक क्रांति है, इसको राजनीति से हमेशा दूर रखा जाना चाहिए। आप थे हमारे साथ केपी चौधरी, जिन्होंने हमें बताया कि जो रविदासी समाज के रहनुमा थे गुरु रविदास जी, उनके ऊपर कोई राजनीति ना करी जाए और संतों का ये कार्यक्रम हो रहा है, इसलिए इसको शांतिपूर्ण तरीके से बनाएं। आपने हमारे चैनल से बात करी, इसके लिए धन्यवाद। जी धन्यवाद, जय भीम, नव बुधाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।